सैमसंग M21 क्लॉक सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पे क्लॉक सेटिंग सेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ये है क्लॉक। तो अगर आपकी स्क्रीन पे ये क्लॉक भी शो नहीं करे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको ये जो क्लॉक है यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, मैंने इसीलिए इसको रिमूव कर दिया। तो हम दोस्तों पूरे जो है यहाँ पर डिटेल्स के साथ जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सारे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर देना। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए स्क्रीन पे आपको पिंच करना होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप टैब करके भी रख सकते हैं। स्क्रीन के बीचों बीच आपको टैब एंड होल्ड करना है जहाँ पे स्क्रीन स्पेस खाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे दोस्तों आपको यहाँ पर विजेट्स का ऑप्शन मिलेगा। विजेट्स में जाए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्लॉक ऑप्शन। तो क्लॉक कहाँ पे आइए सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अलार्म का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसको आप लेके जाइए स्क्रीन पे और आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अलार्म सेट करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों फ़िलहाल हम सर्च कर रहे थे क्लॉक। तो क्लॉक का जो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए क्लॉक ऑप्शन। ओके, तो यही दोस्तों ऑप्शन जो है वो क्लॉक का है। ठीक है, तो मैं ऐड करूँगा इस वाले ऑप्शन को क्लॉक। तो ऐड पर क्लिक करते, एड पर जैसे ही क्लिक किया दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एंड देन टैप करके ओपन करें। नेक्स्ट में दोस्तों आपको मिलेगा थ्री डॉट्स, सेटिंग पे जाइए और यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं क्लॉक सेटिंग, जैसे कि ब्राइवेट फ्रॉम अलार्म सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको मिलेगा शो वेदर इन्फॉर्मेशंस और यूनिट आपको यहाँ पर किस तरीके से चाहिए, फारेनहाइट या फिर सेल्सियस। उसके बाद आपको मिलेगा साउंड, ठीक है, एंड वाइब्रेशन ऑप्शन एंड अबाउट क्लॉक ऑप्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दिया हुआ है। वर्ल्ड क्लॉक आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लॉक ऐड कर सकते हैं। अलार्म सेट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, और दोस्तों डेड एंड टाइम सेट करने के लिए आपको जाना है सेटिंग पर एंड देन ये जो ऑप्शन है आपको मिलेगा जनरल मैनेजमेंट पे, और यहाँ पर आप डेड एंड टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यूज 24 आवर फॉर्मेट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका क्लॉक सेटिंग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।